छितौनी में स्थित शौचालय बना सोपीस खुले में शौच करने पर बेबस। बलिया जनपद के रसरा ग्राम सभा छितौनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय बनवाए गए थे। अब ये शौचालय शोपीस नजर आ रहे हैं। इन शौचालयों पर ताले जड़े हैं, इसके चलते गांव के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से यह शौचालय बनवाए गए हैं तब से आज तक खुले ही नहीं, मतलब इन शौचालयों को खोला ही नहीं गया। शौचालय बंद होने से महिलाओं को खुले में शौच जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। शौचालय के गेट पर ताले भी लटक रहे हैं। इज्जत घर के नाम से बने इन शौचालयों पर ताले लटके होने के कारण गांव की महिला और पुरुष खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि जिस शौच के तहत इस शौचालय का निर्माण कराया गया था उसका उपयोग कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं कर पा रहा। खुले में शौच जाने में डर तो लगता है, साथ ही बहुत शर्म भी आती है। बलिया से रवि आर्या की रिपोर्ट, R9 भारत। बात करें उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार की, तो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता को हर तरीके का लाभ मिले, लेकिन जब उनसे जुड़े अधिकारी और उनसे जुड़े राजनीतिक व्यक्ति ही उनके सपनों को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे तो इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त हम बलिया जनपद के रसड़ा तहसील परिसर में उपस्थित हैं, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। ऐसा कहना है लोगों का कि जब से शौचालय का निर्माण हुआ है तब से इस पर तालाबंदी ही है। ये शौचालय लोगों को आसपास के लोगों के हित में इज्जत घर के नाम से बनाया गया था, जिसमें नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबको इसका उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन जब से बना है तब से इस पर केवल और केवल ताला ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किस तरीके से इस समस्या से संबंधित विभाग, अधिकारी, शासन प्रशासन जूझता है। बलिया से रवि आर, R9 भारत। एक अपना परिचय बता दीजिए। हाँ जी, मैं वीडियो रसड़ा। सर, देखा जा रहा है कि तहसील परिसर में ही ग्राम सभा छितौनी करके सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, और उसके आसपास के लोगों का कहना है कि जब से शौचालय का निर्माण हुआ है तब से शौचालय पर ताला बंद है। सर, क्या कहना है इसका? आपने इसकी जानकारी दी, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एडीओ पंचायत से मेरी बात हुई है, मैं अभी उनको भेज रहा हूँ, वो जाएंगे और मौके का मुआयना करके जो जो दिक्कतें हैं उसको पॉइंट आउट करके लाएंगे। उसको जैसे ही सचिव अभी मतलब चार्ज ले रहे हैं, वो तत्काल हफ्ते भर के अंदर उसको ठीक कराने की कोशिश करूँगा। ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। हाँ सर, देखा जाए कि आपके पीछे ये शौचालय है, सामुदायिक शौचालय, ये क्या खुलता उलता है कि नहीं? जी, हमारे नज़र में तो जब से इसका निर्माण हुआ है आज तक इसको खुले हुए कभी नहीं देखे हैं, ताला वैसे पड़ा है। तो लोगों को दिक्कतें भी होती होंगी? जी बिल्कुल, दिक्कत होगी होती है, क्योंकि तहसील परिसर में है तो वादकारी, अधिवक्ता, प्रशासन, तमाम लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत होगी। इसको आज तक हमने यहाँ किसी ने भी ताला खुले हुए नहीं देखा, ये ऐसे ही बंद पड़ा है। ऐसे ही बंद पड़ा जी।